हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। या आप देखिए 50% पदों पर शिक्षक ही नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, कुल मिलाकर के शिक्षकों के जो पद हैं वो उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर आपको बता दूं कि टोटल 92 विश्वविद्यालय कार्यरत है, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। टोटल मिलाकर के 92 यूनिवर्सिटी जो है वो कार्यरत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी AISHE 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो हैं वो राजस्थान में हैं और सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं। तो वर्तमान जो स्थिति है राजस्थान के अंदर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की, वो क्या है कि 50% पदों पर शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। मैं आपके सामने लिस्ट जो है वो लेकर के आया हूँ। ये 16 यूनिवर्सिटी की जो है डिटेल इस वीडियो के अंदर प्रदान की गई है, जिसमें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और कोटा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। ये टोटल 16 विश्वविद्यालयों के नाम मैंने आपको बताए हैं। इन सभी विश्वविद्यालयों में सिर्फ वर्तमान में 4 विश्वविद्यालयों के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया जा चुका है, जिसमें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इन 4 यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी के नाम बच गए उन सब के अंदर अभी तक जो है विज्ञापन जारी नहीं किया है। बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें कुल 1083 पदों में से 629 पद खाली हैं, यानी 50% से अधिक पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं की गई है और सरकार लंबे समय से इन पदों को नहीं भर पाई है। अब खोड में खाज तो जो है ये आदेश है कि प्रदेश की यूनिवर्सिटी में पहले से ही प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद जो है वो खाली हैं। अब प्रोफेसर्स को प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाने से संबंधित जो है आदेश जारी किया जा चुका है। तो इस वजह से अब इन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेज जो हैं उनका क्या होगा, छात्रों की पढ़ाई किस प्रकार से होगी, इस बारे में जो है किसी को कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रशासनिक पदों पर यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, उससे पहले से खाली पद जो है अब और ज़्यादा खाली हो जाएंगे, विद्यार्थियों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।